हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रोजाना क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बहुपद चैप्टर जो हमारा है इसमें प्रश्नावली 2.2 को देखे थे, और 2.2 में देखे क्या थे कि हमें बहुपद जो द्विघात बहुपद दिया गया था उसके हम लोग क्या निकाल रहे थे, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे थे, जिसकी हम लोग सत्यता की जाँच कर रहे थे। तो आज जो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अब क्या करना है कि इसमें जो है शून्यकों का योग तथा गुणनफल दोनों दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखें कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है 1/4 और -1, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए इसको हम लोग कितने आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न क्या है, 1/4 और -1 है, ठीक है, यही है। तो देखिए क्या बोला गया हमको, द्विघात बहुपद ज्ञात करने दिया गया, ठीक है। मतलब हम लोगों को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दी गई है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारा, 1/4, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है हमारा, -1, ठीक है, जो कि हमारा दिया गया है -1। तब हमको इसमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद के फॉर्म में लाना है। तो द्विघात बहुपद के फॉर्म में किस प्रकार लाएंगे, आप लोग को सिर्फ एक ही स्टेप याद रखना है, वो क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग को द्विघात बहुपद का फॉर्म जो होता है ना हमारा, क्या होता है वो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है ना। आप लोग पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें खास बात क्या है और इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए ध्यान से। इसमें क्या करने वाले हैं, द्विघात बहुपद जब निकालेंगे तो इसमें मात्र एक स्टेप आप लोग को याद रखना है, वो क्या है, देखिए x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ओके, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, बराबर 0, हमें यही करना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अब हम लोग कि किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए x² की जगह x² ही लिखेंगे, x² माइनस शून्यकों का योग हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग हमारा क्या है, तो देखिए हमारा शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का हमारा योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, x² माइनस शून्यकों का योग जगह में क्या लिखेंगे, 1/4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस क्या, शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल -1 है, ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे -1। अब देखिए क्या करना है, सिंपल x² माइनस 1/4x है, ठीक है, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को 1 से तो क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी 4 प्लस माइनस 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 1, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए क्या करना है कि x² और 4 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। देखिए ये ax² माइनस bx प्लस माइनस c के फॉर्म में है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, √2 और 1/3, ठीक है,
तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को। तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, रूट टू और एक बट्टा तीन, यही है तो रूट टू और एक बटा तीन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, शून्यकों का योग क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर रूट टू, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या, ये अल्फ़ा है ठीक है, ऐसे कुछ प्रकार के लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वन बाई थ्री। तो हम लोग जो फॉर्मूला जो हम लोग वो द्विघात बहुपद निकालने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं एक फॉर्म के रूप में, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एन टू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या दिया गया है हमारा, रूट टू इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, वन बाई थ्री। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन। अब देखिए ये द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, उसे हम लोग देखेंगे ठीक है। तो देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, जीरो और रूट फाइव ठीक है। सेम इसको इसी प्रकार करेंगे, यानी कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, जीरो, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर रूट फाइव ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है, जीरो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, रूट फाइव। अब देखिए जीरो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, जीरो ही हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, ये हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं हम लोग अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है ठीक है। फोर्थ नंबर को देखेंगे, फोर्थ नंबर में हमारा क्या है, वन वन, यानी कि शून्यकों का जो योग दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वन, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वन। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल ठीक है, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ये वन है, और इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल वन है, तो यानी कि क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये देखिए हमारा द्विघात बहुपद के फॉर्म में है, ये हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं हमारा जो पाँचवा प्रश्न है वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पाँचवा प्रश्न है वो क्या है, माइनस वन बाय फोर और वन बाय फोर ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग ये है, शून्यकों का गुणनफल है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई फोर, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का क्या लिखेंगे, गुणनफल ठीक है, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है, माइनस वन बाई फोर, शून्य माइनस वन बाई फोर इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या है, हमारा शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है, वन बाई फोर। तो देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई फोर ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई फोर, सॉरी गाइज यहाँ वहाँ प्लस ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर, ये हमारा राइट आंसर है। देखिए द्विघात बहुपद के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। आइए देखते हैं हमारा जो इस प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है। देखिए हमारा जो छठा प्रश्न है वो क्या है, छठा प्रश्न क्या है, 4.1 ये दिया गया है ना।
तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का जो योग है उसको किस प्रकार लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फोर है, और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर वन। ठीक है, तो इसको किस प्रकार द्विघात बहुपद फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखने के लिए एक स्टेप लिखना पड़ता है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। देखिए हम लोग कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को बना रहे हैं, जो शून्यकों का योग दिया गया उसे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर जो दिया गया उसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है हमारा, फोर है, तो फोर इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, वन है। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग आंसर को ला सकते हैं। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है का राइट आंसर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने दोस्तों को सभी को क्या करें, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को लॉकडाउन में ये वीडियो क्लास 10 की पहुंच सके, ताकि 10 क्लास के छात्रों हिंदी मीडियम के छात्र को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग का जिस प्रकार डिमांड था कि सर हिंदी क्लासेस हिंदी, तो मैंने क्लासेस एकदम पूरी तरह से हिंदी, कहीं पे कोई वर्ड इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अगर होती है तो आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।